गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज हम लोग संस्कृत पल्लवी पुस्तक के पाठ दो मम यात्रा यानी मेरा सफ़र पाठ का चर्चा करेंगे। गर्मी की छुट्टी के समय हम सब लोगों की इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएं और अच्छे से अच्छे चीज़ों को देख करके अपने दोस्त मित्रों के साथ उसका वर्णन करें। प्यारे बच्चों, हम आपको आज ले चलते हैं हरिद्वार। एक जो है आप लोगों को हरिद्वार एक सुंदर नगरी है, तीर्थ स्थल है, वहाँ आप लोगों को घूमने के लिए ले चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अपने प्रदेश में चार महाकुंभ लगते हैं, उसमें हरिद्वार भी आता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, ये चार बड़े बड़े महाकुंभ हैं जो कि 12 साल के बाद वहाँ लोग तीर्थ स्थान करने के लिए जाते हैं। ग्रीष्मकाले अहम भारतस्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थलम हरिद्वार अगच्छम। आप अपने पहले पैराग्राफ को देखें कि ग्रीष्मकाले अहम भारतस्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थलम हरिद्वार अगच्छम। गर्मी के समय मैं भारत के मशहूर तीर्थ स्थल हरिद्वार गया। मया स मम परिवार सदस्य एक अपरह परिवार अपि च अगच्छन। मेरे परिवार के साथ साथ एक दूसरा भी परिवार भी था। मम अम्मा जनक कनिष्ठा भगिनी पृथिव्य तस्य भार्या दो बालकौ च अगच्छन। मानो मेरे माता पिता, छोटी बहन, चाचा, उनकी पत्नी और दो बालक भी साथ थे। वयम सर्वे एकमेव यानेन हरिद्वार अगच्छाम। हम सभी लोग एक ही बहन माने गाड़ी से गए। एते कालिश्यानम आशित, वहाँ हम अनेक प्रकार के क्वालिश देखे। प्रातः काले ब्रह्म मुहूर्ते चली श्याम एतत वयम अचिंत्याम। मुहूर्त काल जब सुबह का समय होता है, भोर के समय को हम मुहूर्त का समय कहते हैं। हम सभी लोग सुबह के समय जब भोर हुआ तो गाड़ी से गए। रास्ते में मार्गे वयम सर्वम बला अत्याचरी अपि अखिलयम। मार्ग में हमें छोटे बड़े बच्चे अत्याचरी भी देखने को मिले। यदा कदा अस्माकम अभिभावका अपि अस्माकम सहायताम कुर्वन अस्म। कभी कभी हमारे माता पिता को भी मदद की ज़रूरत पड़ जाती थी। हम एकादश वादने मानो 11 बजे वयम तत् अस्मा 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे। वयम चिंतयाम अस्मम यत गंगया तटे स्थित हरिद्वारे अधिकः ताप मानः न भविष्यत्।
गंगा के किनारे अधिक तापमान नहीं होगा। स्वदेनस कारणम अस्माकम दुर्दशा अभवत। इस प्रकार से पसीने और तापमान से मेरी बड़ी दुर्दशा हुई।